नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। नीलगांव के आतंक से परेशान किसान। मामला बाराबंकी तहसील हैदरगढ़ थाना क्षेत्र सुबेहा के अंतर्गत जमीन हुसैनाबाद का है, जहां खेतों में नीलगायों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक तरफ किसान वैसे ही परेशान है, दूसरी तरफ आवारा पशु एवं नीलगायों की वजह से किसानों की कमर टूटी जा रही है। इस संबंध में जब एक किसान से बात की गई तो किसान ने कहा कि हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहती कुछ और करती कुछ और। किसान ने अभी बताया कि हमारे यहाँ पर धान का काटा न लगने से हम लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। किसान को मजबूर होकर धान को सस्ता बेचना पड़ता है, जबकि फसल की लागत भी नहीं आती है। सरकार के दावा हवा हवाई साबित हो रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं किसानों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वहीं पर बैठे आला अधिकारी किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए किसान परेशान है। अगर यहाँ के आला अधिकारी ध्यान दें तो शायद किसान की परेशानी कम हो जाए। प्राइम न्यूज 24 से मंडल ब्यूरो अध्यक्ष के साथ बाराबंकी से वेद प्रकाश त्रिपाठी तिवारी की रिपोर्ट। आपका है कांता प्रसाद, कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम सभा जमीन आबाद चरहान। आप बताइए, सरकार संतुष्ट हैं? आप सरकार संतुष्ट नहीं है तो नीलगा खेत मार कर रहे, क्या खाएंगे हम लोग? हमारे बच्चे भूखों मर रहे हैं, हमारे खेतों में देखो तो गाय नुकसान कर रहे नील गाय। हम लोग वो पर रात में रखवाली करते हैं, तार घिराते उसमें टूट जाते हैं। हम लोग वो परेशान, हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है सरकार हमारे लिए कर रही है। नहीं, जो सरकार बार बार कह रही है कि हम किसानों के लिए जो है अभी सारी सुविधाएं कर रहे हैं, क्या वो सुविधा नहीं मिल रही है? हाँ, सुविधा मिल रही है। 1000 रुपया धान बिक रहा है, कोई मंडी कहीं है नहीं, ना सरकारी कहीं खरीदारी है, गवर्नमेंट का जब खरीद रहे हैं कहीं कोई कहीं कोई केंद्र नहीं आता, खरीदा नहीं गया सुबह सोसाइटी में, तो यहाँ पर कोई पूछ नहीं रहा है। यहाँ पे कोई केंद्र नहीं बनाया, कोई केंद्र है सुबह केंद्र कहने के लिए है सोसाइटी, कभी माल वाहन किसी को बिकता ही नहीं है, सब किसान ले जाते लौट आते बाजार में मक्का बिकता है, 800 रुपया 900 रुपया धान किसान बेचे मजबूर है। तो क्या सिर्फ किसान पड़ता है या नहीं?